हनी ट्रैप का नाम आते ही तमाम पुरानी खबरें दिमाग में घूमने लगती हैं। इस बार हनी ट्रैप का एक और मामला सामने आया है जो सनसनीखेज है। 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि पूरे 32 लोग हनी ट्रैप के मामले में फंसते बचे हैं। और अब ये मामला राजधानी भोपाल से है, जहां कैबिनेट मंत्री के पूर्व ओएसजी के साथ हनी ट्रैप का ये मामला सामने आया है। एसीपी हबीबगंज के मुताबिक एक महिला मंत्री के पूर्व ओएसजी को झूठे केस में फंसाकर 2 करोड़ रुपए की मांग कर रही थी, जिसके बाद ओएसजी ने हबीबगंज थाने में मामले की शिकायत की और पूरे मामले में जांच के बाद महिला के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी महिला को गिरफ्तार भी किया गया है। रीवा जिले में भी उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं। महिला से परेशान कई लोग अदालत की शरण भी ले चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और अब इससे पूछताछ भी कर रही है। छेड़खानी और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की गई, इस तरह की शिकायत दर्ज की गई, जिस पर हमने जो आरोपी महिला नेहा त्रिपाठी है उसको उस अपराध में 389 अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम क्या रहा था? घटनाक्रम यही था कि उन पर उन्होंने लगभग 1 साल पूर्व से ही दबाव बनाना शुरू किया कि मैं आपको इस केस में फंसवा दूंगी, या फिर जैसे शारीरिक शोषण का हो गया, यौन उत्पीड़न का हो गया, और उसके बदले पैसे की मांग की थी। कितने पैसे की मांग करी थी? ये 2 करोड़ रुपए की मांग की। सर, इसका कोई प्रूफ है उनके पास, रिकॉर्डिंग या चैट में कुछ? वर्तमान में तो जांच जारी है, हमने उनसे भी इस तरह के साक्ष्य अगर कोई हैं तो उनसे मांगे हैं, तो जैसे विवेचना आती है तो उस हिसाब से। पहले कोई पैसों का लेन देन हुआ था या कुछ पैसे वगैरह हमने दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ पैसों का लेन देन लोगों के बीच में हुआ था? नहीं, अभी तक विवेचना में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी विवेचना की शुरुआत हुई है, तो जैसे जो जो चीज़ जानकारी मिलती है वैसे। ये महिला के ऊपर पहले भी इस तरह के प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, पहले भी कई बार ब्लैकमेल कर चुकी है और दूसरों के ऊपर कई बार ऐसे मामले दर्ज कराए हैं, जैसे कि दूसरे जिले की बताई जा रही है, उसको लेकर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाली है, क्या कुछ आया है जी? ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि पहले भी जो महिला का आचरण बड़ा संदिग्ध रहा है, लगभग 5 शिकायतें इन्होंने जिला अपराध महिला शाखा जो होती है रीवा में वहाँ पर उन्होंने कराया, जिसको नस्तीबद्ध भी किया गया क्योंकि ऐसे कोई साक्ष्य मिले नहीं जो कि झूठे प्रतीत होते हैं। इसी तरह से लगभग 32 लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय रीवा में इन्होंने परिवाद लगाया था, सेम ही शारीरिक शोषण और ये छेड़खानी का, वो भी न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया था, तो जिस पर ये संदेह प्रतीत होता है और इस तरह की चीज़ें देखने के बाद हमने अपराध पंजीबद्ध। सर, ये 32 आपने बताया, 32 मामले कितने सालों में ये 32 मामले दर्ज करवाए हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल? अभी तो ये जानकारी प्राप्त हुई है विवेचना के दौरान, जैसे जैसे चीज़ें निकलती हैं। पैसों का लेन देन क्या पहले भी इस तरह के मामलों को लेकर कर चुकी है, ऐसी भी जानकारी? ऐसी अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, पर इस तरह का परिवाद लगाया गया था और वो न्यायालय ने इसी आधार पर निरस्त किया था कि कोई ऐसा साक्ष्य मौजूद ही नहीं। फरियादी के संपर्क में कैसे? ये फरियादी के संपर्क में वहाँ पे कुछ सामाजिक सेवा करती है, तो उस हिसाब से इसका कुछ रहा होगा। फिलहाल की खबर में इतना ही, नए अपडेट के लिए जुड़े रहिए बुंदेली दर्पण के साथ, फिर मिलेंगे किसी और खबर को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।